आज हम देखेंगे कि आप ग्रो चार्ट पे स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो इंडिकेटर लगा के। और अभी यहाँ पे मैं डेमो के लिए जो बैंक निफ्टी रहता है इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। सो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने को मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पे हमें सबसे पहले इंडिकेटर लगा लेना है। गाइस यहाँ पे आपको ऊपर ही इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर रहेगा जिसके जरिए आप स्कैल्पिंग करते हो उसको आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे। और अभी मेरी बात करें उससे यहाँ पे मैं ज़्यादा तक नॉर्मल जो मूविंग एवरेज रहता है उसको मैं यूज करता हूँ। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, इस तरीके से मूविंग एवरेज आ जाएगा, इसी पे मैं क्लिक करूँगा सो यहाँ पे मेरी चार्ट में लग जाएगा। सो गाइस जो भी लाइन रहता है जैसे इसके ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है और दोबारा से ग्रीन कैंडल बनने लगती है तब जाके हम कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग करते हैं और कॉल ऑप्शन में एक अच्छा 10 से 15 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है। और बाकी इस पुट ऑप्शन की बात करें जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जो भी मूविंग एवरेज वाली लाइन थी इसके नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया और दोबारा से यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनने लगेगी तब जाके यहाँ पे हम पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग करेंगे और पुट ऑप्शन में भी यहाँ पे हमें 10 से 15 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा। और गाइस स्कैल्पिंग में क्या होता है कि फास्ट मोमेंटम पकड़ना रहता है, अगर आप फास्ट मोमेंटम को नहीं पकड़ पाते हो तो फिर यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग में भी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो करंट मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी रेड कैंडल थी यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया बट ये रिवर्स हो गया और गाइस यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई है। और अभी यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे अभी दोबारा से जा रहा है, अगर यहाँ पे अभी इसके ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर यहाँ पे हम एक कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको कहना क्या है स्कैल्पिंग के लिए, एक और सेटिंग कर लेना है, यहाँ पे आपको लेआउट में आना है और यहाँ पे आपको डबल लेआउट सिलेक्ट कर लेना है। सो एक साइड में आप इंडेक्स का चार्ट रख सकते हो देखने के लिए और एक साइड में आप जिस भी ऑप्शन में स्कैल्पिंग करोगे उसका आप चार्ट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे गाइस हम लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेते हैं क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देती है सो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इस साइड में चैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन आ जाएगा जिसमें आपको सभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो चलिए यहाँ पे जो 25 रुपये के आसपास प्रीमियम चालू है कॉल ऑप्शन का इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। सो इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैसे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो इसका प्रीमियम चालू 24 रुपये 25 रुपये के आसपास और यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे हम इस ऑप्शन में इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे बाय का और सेल का बटन देखने को मिलेगा, बाय करने के लिए यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आपको कितने लॉट से स्कैल्पिंग करना है सो वो भी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एंटर डे कहना है कि डिलीवरी करना है सो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मार्केट पे कहना है या फिर लिमिट लगा के कहना है सो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कैसे आप देखोगे अच्छी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है और यहाँ पे करेंटली मोमेंटम भी आना स्टार्ट हो गया है। सो अभी यहाँ पे हम इजीली इस कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी कैसे यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा जो भी ऑर्डर है सक्सेसफुल हो गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सीधा आपको पोजीशन में लेके चलूँगा। सो यहाँ पे आप देखोगे पोजीशन में करेंटली 6 रुपये 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट वगैरह चालू है और कैसे इसको हमने बाय किया है 24.25 पे और करेंटली अभी 9 रुपये 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट वगैरह चालू है। सो गाइस स्कैल्पिंग हमेशा राइट टाइम पे ही करना चाहिए ताकि गाइस आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना अच्छा ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। सो जो भी पोजीशन है इसको हम रेडी रखेंगे एग्जिट करने के लिए क्योंकि गाइस स्कैल्पिंग में हमेशा राइट टाइम पे बाय सेल होना चाहिए। अभी गाइस यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉफिट है 40 रुपये के आसपास पहुँच गया है। सो यहाँ पे मैं सीधा एग्जिट ऑल पे क्लिक करूँगा और पोजीशन को क्लोज कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं एग्जिट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है और करंटली यहाँ पे देखोगे 50 रुपये 51 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक हो गया है।